गाइस, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपेरिमेंटल फूडी। मेरा नाम है रिया और आज मैं लेके आई हूँ चिंग्स का जस्ट सो हक्का नूडल्स। तो आज की इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा डिटेल देने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और फूड रिलेटेड कंटेंट आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। तो ये है हमारा चिंग्स का जस्ट सोक वेज हक्का नूडल्स और इसकी जो MRP है वो है 37 रुपीज़। और इसकी जो बेस्ट बिफोर है वो पैकेजिंग से 18 मंथ्स तक की है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें है रिफाइंड वीट फ्लार मैदा 96%, वीट ग्लूटेन, सॉल्ट, रेजिंग एजेंट, एसिडिटी रेगुलेटर, एम्यूलिफाइजिंग एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट, एसिडिटी रेगुलेटर, थिकनिंग एजेंट। और इसमें एलर्जन एडवाइस के लिए दिया है। इसमें कंटेन्स वीट, मे कंटेन ट्रेसेस ऑफ वीट, सेसमे एंड सोया, मस्टर्ड एंड मिल्क। और इसकी जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं जो कि 150 ग्राम के अकॉर्डिंग में दी गई है और जो पैक है इसका जो टोटल वेट है वो भी 150 ग्राम्स ही है। तो एनर्जी है 556 kcal, प्रोटीन 16.7 ग्राम्स, टोटल फैट 0.7 ग्राम्स, सैचुरेटेड फैट 0.1 ग्राम, ट्रांस फैट 0.0, कार्बोहाइड्रेट 120.7, शुगर 0, सोडियम 828.9। तो ये थी इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स। तो अब चलो देखते हैं इसको बनाना कैसे है। उसके लिए आपको 5 से 6 कप पानी को गर्म करना है, उसके बाद गैस को ऑफ करके इसको उसमें डुबा देना है और फिर आपको 5 to 7 मिनट्स के लिए वेट करना है। और आपको ध्यान रखना है कि गैस बंद हो क्योंकि इसको पानी में ऐड करने के बाद आपको कुक नहीं करना है। एंड उसके बाद आप अपनी नूडल्स को ड्रेन करिए, वॉश करिए एंड वो रेडी टू कुक है। तो चलो, ये है इसकी पैकेजिंग पूरी ब्लू कलर में और ये सारी डिटेल्स इधर बैक साइड पे हैं। इधर है ये न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, ये इसके कुकिंग इंस्ट्रक्शंस, ऊपर हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, नीचे इसमें इधर साइड पे लिखा है MRP एंड बेस्ट बिफोर। तो ये थी इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल। अब चलो करते हैं इसको पानी में सोक। पर उसके पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फूडी फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। तो अब चलो ले आती हूँ मैं जल्दी से गर्म पानी और इसको करते हैं सोक। तो ले आए अपना गर्म पानी, अब हम इसको करते हैं ओपन। एंड हमने थोड़े बड़े से बर्तन में पानी को गर्म किया है ताकि अच्छे से हमारी जो नूडल्स हैं वो डूब जाएं इसमें। तो ये हमारा बड़ा सा भगोना जिसमें हम इसको डाल के 5 से 7 मिनट के लिए वेट करने वाले हैं। पूरा इस नूडल्स को हमने इस गर्म पानी में ऐड कर दिया है। तो अब हम वेट करेंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए। तो गाइज, हमारे नूडल्स को सोक करके 6 मिनट तक हो गए हैं। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और देखते हैं कैसा हो गया है। ये आपको भाप दिख रहा होगा कैमरे में, मतलब मैंने अपना भगोना ले आया है वापस। एंड या ये हो गए हैं, दिखाते हैं हम आपको। रुक जाइए, अभी भी ये गर्म है। हमारे नूडल्स कुक हो गए हैं तो अब बस हमें इसको वॉश करना है एंड ये रेडी टू कुक होंगे। तो जैसे हम अपना जो नॉर्मल नूडल्स लाते हैं उसको भी बस बॉईल करके वॉश करके हमें यूज़ ही करना होता है, सेम ही चीज़ है। बस इसमें यह है कि आपको इसको रेस्ट देना है, पानी में ऐड करने के बाद कुक नहीं करना। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, बट ठीक है, अब इसको वॉश करके देखते हैं। तो गाइस, हमने इसको वॉश कर लिया है कोल्ड वाटर में एंड आप इसको आराम से 7 मिनट होने दे सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल वेल कुक्ड रहेगी, जैसे ओवर कुक नहीं हो जाती। तो मतलब अब इसमें और जो हमारी नॉर्मल नूडल्स होती हैं जिनको हमको बॉइलिंग वाटर में कुक करते रहना पड़ता है, उसमें बस फ़र्क यही है कि आप इसको 7 मिनट तक रखते हैं तो ये एकदम जैसा हमें चाहिए मीडियम डन टाइप का, तो वैसा ही हो जाता है, मीडियम डन है। तो अभी हम जब वेजिटेबल्स के साथ इसको कुक करेंगे तो ये ओवर कुक नहीं हो जाएगी। एंड जो हमारी नॉर्मल नूडल्स होती हैं जिनको हम बॉइलिंग वाटर में कुक करते रहते हैं उसमें हमें ध्यान देना होता है कि वो ओवर कुक ना हो जाएं। तो बस यही फ़र्क था, बाकी चिंग्स की जो नूडल्स होती हैं उनकी ये स्पेशलिटी है कि ऐसे लंबे लंबे और अलग अलग से रहते हैं। तो बाकी इसका जो टेस्ट है वो नॉर्मल नूडल्स जैसा ही है, जैसे बॉइल नूडल्स आपको लगेंगे एंड विदाउट एनी सॉल्ट एंड नथिंग।
फिर भी आपके लिए एक बार ट्राई करते हैं इसको। ये बेसिक मैदे वाले नूडल्स जैसे ही अभी फिलहाल लग रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि नूडल्स में वैसे अपना कोई टेस्ट होता भी नहीं है। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आप नूडल्स बनाने का सोच रहे हो तो आप इसको प्रेफर करना एंड बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में आके। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फूडी फ्रेंड के साथ शेयर करते जाना। और कमेंट सेक्शन में लिखना आपको और क्या इस चैनल पर देखना है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए फूड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉइंग योर फूड।